जनकपुर में नए साल के जश्न को लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दिखाई गंभीरता। नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों की थानेवार मांगी जानकारी। शांतिपूर्ण माहौल में नववर्ष मनाने को लेकर दिए निर्देश। गोरखपुर में सड़क हादसे पर अंकुश लगाने की संभागीय परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कवायद। ठंड में कोहरे को देखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों के किनारे व्हाइट पट्टी और ट्रैक्टर ट्राली सहित अन्य बड़े वाहनों पर लगाए जा रहे रिफ्लेक्टर, जिससे कि सड़क हादसों में लाई जा सके कमी। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद की अगुवाई में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण व नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चलाया गया विरहद चेकिंग अभियान। नो पार्किंग जोन में खड़ी 1000 गाड़ियों का काटा गया चालान। गोरखपुर न्यूज द्वारा रात्रि में रैन बसेरे के रियलिटी चेक में सभी व्यवस्था मिली चाक चौबंद। रैन बसेरे में रुके नागरिकों के पास पाई गई सभी तरह की व्यवस्था। सैयद मोदरी रेलवे स्टेडियम के ग्राउंड पर वैलेंटाइन अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत खेला गया मैच। 31 दिसंबर को विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह ने गन्ना मूल्यों के भुगतान को लेकर जनपद के अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक। गन्ना मूल्यों का समय से भुगतान करने के लिए दिए निर्देश। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष उबैदुल्ला अंसारी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर अपर आयुक्त को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। स्कूटी सेफ्टी प्रोग्राम के तहत एनडीआरएफ के द्वारा रेनेसेंस स्कूल के स्टूडेंट को दिया गया प्रशिक्षण। भूकंप से बचने की दी गई विस्तृत जानकारी। पुलिस अधीक्षक यातायात के अध्यक्षता में पुलिस लाइन में यातायात विभाग के पुलिसकर्मियों के साथ की गई बैठक। यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर शहर में मनमाने तरीके से चल रहे ऑटो और ई रिक्शा पर नियंत्रण लगाने की परिवहन विभाग ने पूरी कर ली तैयारी। शहर के ऑटो और ई रिक्शा चालकों का किया गया सत्यापन। जारी की गई यूनिक आईडी नंबर।